हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन बर्डविंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बाट का प्राइस अचानक इतना कम क्यों हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो कुछ दिन पहले का है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने हाट पे गया था, उस दिन का वीडियो है। ओ मैं पता करने गया था कि ये बाट का प्राइस इतना कम क्यों चल रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ बाट सेल करना था। तो जो बाट सेलर लोग हैं ना, वो लोग ऑन कैमरा कुछ बताना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो मैंने शूट नहीं किया, मगर वो लोग जो बताया इस वीडियो में, मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये टाइम पे ये बाट का इतना प्राइस जो कम हो रहा है ना, तो इसका वजह क्या है। ठीक है, देखो बाट का प्राइस जो कम हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न आ रहा है वो गर्मी और ये ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखो ये जो हाट होता है ना, ये गालिब स्ट्रीट हाट, गुड़िया हाट, बैनर्जी हाट, कोई भी हाट हो, इस इधर जो बाट सेल आउट होता है ना, वो मैक्सिमम बार बाहर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, कभी कभी तो सिटी के बाहर, स्टेट के बाहर और कंट्री के बाहर भी जाता है। वो बाट के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो बात छोड़ो। अभी क्या हो रहा है, इस गर्मी के वजह से ना, वो जो बाट का जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो थोड़ा बंद है। क्योंकि देखो ये जो बाट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसमें तो कई दिन लग रहा है, तो ट्रांसपोर्ट के दौरान वो बाट मर रहा है। ठीक है, इस गर्मी की वजह से तो क्या हो रहा है, वो जो बाट का जो ट्रांसपोर्टेशन था ना, वो थोड़ा रुक गया है। इसलिए वो लोग जो बायर लोग हैं ना, जो ट्रांसपोर्ट करता है, वो बाट ले नहीं रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बाट का प्राइस कम हो रहा है। और ये जो गर्मी, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट के दौरान गर्मी में वो बाट मर रहा है, इसलिए बाट ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा रुक गया है। तो इस वजह से बाट का प्राइस बहुत कम हो रहा है। देखो दोस्तों, बाट का जो प्राइस कम हो रहा है ना, उसका और एक बड़ा वजह है ये डिजीज़ और बीमारी। ठीक है, अभी इस गर्मी में ना बाट को बहुत बीमार हो रहा है, बाट बहुत बीमार है और वो मर भी रहा है। ठीक है, जैसे देखो वो जो लापाट है ना, उसका आँखों का प्रॉब्लम हो रहा है, वो बॉक्स होके मर रहा है। ठीक है, वो बाजिश और वो जो दूसरा कोई भी बाट हो, वो हिस्टोक होके मर रहा है। अगर जिधर है उधर बहुत गर्मी बढ़ रहा है, तो गर्मी के वजह से हिस्टोक होके भी मर रहा है, लूज मोशन होके मर रहा है। देखो जिसके पास बहुत सारा बाट है ना, तो उसके पास अगर बाट मरना चालू कर देना, तो क्या कर रहा है, वो फुल लॉट सेल आउट कर दे रहा है। ठीक है, और वो प्राइस का कुछ नहीं सोच रहा है, वो बार्गेनिंग नहीं कर रहा है प्राइस के बारे में। वो कुछ भी प्राइस हो, वो सिर्फ ये चाहता है कि उसका बाट सेल आउट हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से भी बाट का प्राइस कम हो रहा है। तो जो भाई लोग इस गर्मी में ना बाट खरीदना चाहते हो, वो जो बाट प्राइस कम हो गया, तो इस वजह से आप बाट खरीदना चाहते हो, तो थोड़ा देख के खरीदो। ठीक है, बाट सही है, हेल्दी है, ये बहुत अच्छी तरह से देख लो कि बाट हेल्दी है कि नहीं। ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आप घर पे लेके जाओगे तो उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो इस वजह से भी बाट का प्राइस थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, बाट का प्राइस जो अचानक कम हो रहा है ना, उसका सबसे बड़ा एक वजह वो है ये लॉकडाउन। देखो अभी न्यूज़ में आ रहा है कि लॉकडाउन होगा, फिर से लॉकडाउन आ जाएगा, हाट बंद हो जाएगा। ये बहुत एक बड़ा रीज़न है जो लोग पहले से बाट पाल रहे हैं। ठीक है, अगले साल क्या हुआ था, लॉकडाउन में बाट सीट का प्राइस बहुत हाई हो गया था, सब हाट बंद हो गया था, मगर बाट का प्राइस बहुत गिर गया था। ठीक है, देखो जो लोग बहुत सारा बाट पाल रहा था, वो लोग बाट को सेल आउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि हाट बंद था। बाट सेल आउट हो रहा तो बहुत कम प्राइस में हो रहा था सेल आउट, मगर बाट का जो सीट का प्राइस है ना, वो बहुत बढ़ गया था। देखो तो पिछले साल का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है बहुत लोगों के साथ। ठीक है, बहुत लोग ये एक्सपीरियंस कर चुका है कि बाट को पालना कितना मुश्किल हो रहा था। ये बाट का प्राइस हाई था, मगर बाट सेल आउट हो रहा था बहुत कम प्राइस में। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो, बहुत सारे ब्रीडर लोग क्या डर के मारे ये बाट को सेल आउट कर रहा है कि देखो ये लॉकडाउन चलने वाला है, लॉकडाउन आने वाला है, तो इससे पहले बाट को सेल आउट कर दो, इससे क्या होगा, बाट का प्राइस अगर हाई भी हो गया है तो मेरे पास कुछ बाट, कुछ मदर बाट रख लेंगे तो उसे ही काम चला लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से भी बाट का प्राइस बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो लोग बाट सेल आउट कर दे रहा है, कम प्राइस में भी वो लोग बाट छोड़ दे रहा है। ठीक है, इस वजह से भी वो बाट का प्राइस बहुत कम हो रहा है। देखो दोस्तों, बाट का प्राइस कम होने का और एक बड़ा वजह है वो जो पाइकर लोग हैं ना हाट पे, कोई भी हाट वालों, वो गाली स्वीट हाट, बैनर्जी हाट और गोड़िया हाट में जो पाइकर लोग है, जो बाट पाइकर लेता है वो बीडर से, ठीक है, वो पाइकर नहीं ले रहा है। वो क्यों नहीं ले रहा है पता है ना, वो लोग सोच रहा है कि बाट ले लूँ, लॉकडाउन हो जाएगा, हाट बंद हो जाएगा, को तो ये बाट सेल आउट कहाँ करूँगा।
ठीक है, अगर घर में रख दिया तो एक दो बार अगर मर गया तो 10 बार सेल आउट करना पड़ेगा उसका पैसा उठाने के लिए। तो ये लोग डर रहा है कि अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो बाट सेल आउट नहीं होगा, इस वजह से कह रहा है वो लोग पाइकर नहीं ले रहा है। अगर पाइकर नहीं ले रहा है तो वो जो बीड़ा है ना वो बाट को सेल नहीं कर पा रहा है, और पाइकर लोग अगर बाट ले रहा है तो बहुत कम प्राइस में ले रहा है क्योंकि वो डर रहा है अगर बाट मर गया हार्ट बंद हो गया, और वो लोग सेल आउट भी कर रहा है बहुत कम प्राइस में। ठीक है, वो लोग सोच रहा है कि जितना हो सके सेल आउट कर दो, मेरे पास जो बाट है वो सेल आउट कर दो, वो अगले साल या अगले वीक में वो हार्ट खुले या ना खुले, लॉकडाउन हो के ना हो, इस वजह से भी वो बाट का प्राइस बहुत घट रहा है। ठीक है, वो मार्केट में बाट का प्राइस बहुत कम हो रहा है। देखो बाट का जो प्राइस कम हो रहा है ना उसका और एक बड़ा वजह है, मगर मेरे को नहीं लगता कि ये बात बोलना चाहिए कि नहीं। देखो इधर मार्केट में ना कुछ लोग हैं जो जानबूझ के बाट का प्राइस घटा रहा है, क्योंकि वो लोग सोच रहा है कि बाट का प्राइस कम हो जाएगा तो बाट हम लोग खरीद लेंगे, और लॉकडाउन के बाद और कुछ दिनों के बाद जब बाट का प्राइस फिर से हाई हो जाएगा तो हम बाट को सेल करके बहुत सारा फायदा लूट लेंगे। वो लोग ये नहीं सोच रहा है कि जो बीटर लोग एक बाट का चिक्स निकल रहा है कितना मेहनत लगता है एक बाट से ब्रीड करके उसे चिक्स निकालने के लिए। बगर वो लोग क्या सोच रहा है कि देखो ये लॉकडाउन आ रहा है, लोगों के पास पैसा कम ही हो जाएगा तो लोग बाट सेल आउट कर देगा, तो ये लोग ढूंढ रहा है कि कम प्राइस में बाट कहाँ से ये लोग उठा ले। देखो आप इधर फेसबुक पे या आपका यूट्यूब पे भी आप दिख जाओगे, आप एक बाट का सेल पोस्ट करो, उधर कुछ लोग आ जाएगा कि ये बाट का इतना प्राइस नहीं है ना, ये बाट का तो बहुत कम प्राइस है, आप इस प्राइस पे दोगे तो कोई नहीं लेगा, आप मेरे को इस प्राइस पे दो तो मैं ले लूँगा पूरा होल लॉट दे के ले लूँगा। जो बीटा लोगों क्या सोच रहा है कि देखो मैंने तो बाट सेल आउट नहीं हो रहा है, इतना कम प्राइस बता रहा है, अगर लॉकडाउन हो जाए तो मेरे को पैसों की कमी हो जा रहा है, तो वो लोग वो बाट सेल आउट कर दे रहा है। तो मैं बीटा लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो आप बाट कम प्राइस में सेल आउट ना करें। ठीक है, आप बाट को अपने पास रख लो, कुछ दिनों के बाद ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ना ये अगर घट जाएगा तो बाट का प्राइस फिर से हाई हो जाएगा दोस्तों, तो बाट सेल आउट करने की कोई जल्दबाजी मत करो, कम प्राइस में बाट को मत सेल आउट करो। कुछ लोग ऐसा है कि वो ढूंढ रहा है, वो चाह रहा है कि आप लोग कम प्राइस में बाट सेल आउट करो, वो खरीद ले और कुछ दिनों के बाद आप उसे बाट खरीदने जाओ तो वही आपको डबल ट्रिपल प्राइस पे वो बाट आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप कम प्राइस में आपका बाट सेल आउट मत करो, वो बाट आप अपने पास ही रख लो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद बाट का प्राइस हाई होने वाला है, होगा, ज़रूर होगा। ठीक है,